हाई फ्रेंड्स, विश यू वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. दिस मी आयुषी जोशी एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन द चैनल ऑफ वॉचिंग वायर. सो हेट इज 19th of October 2020 एंड वी आर गोइंग टू टेक टूडेज द हिंदू न्यूज एनालिसिस. द फर्स्ट न्यूज इज बेस्ड ऑन COVID-19. COVID-19 के पीक लेवल को हम क्रॉस कर चुके हैं और अगर यही कंडीशन रही तो डेफिनेटली हम फरवरी में हमारे पास में सब बहुत ही कम केसेस बचेंगे. मतलब अल्टीमेटली अगर इसी तरीके से केसेस क्रॉस आउट कर जाते हैं, पास आउट कर जाते हैं, तो फैब तक जाते जाते बहुत कम केसेस रह जाएंगे. अगर फेस्टिवल स्पाइक्स को काउंट ना करें तो, अगर फेस्टिवल स्पाइक्स को अवॉइड किया जाता है, फेस्टिवल में जो फेस्टिव सीजन के अंदर जो स्पाइक्स देखने को मिलेंगे, ऑब्वियसली बात है COVID-19 बहुत हम कह सकते हैं स्प्रेड होने वाला एक वायरस है. और अगर उसे अवॉइड किया जाता है, जो फेस्टिवल्स के अंदर स्पाइक शो करेगा, तो अल्टीमेटली वी विल गेट द मिनिमल केसेस बाय द फेब्रुअरी. ओके, इंडिया हैज़ पास्ड इट्स पीक by September and if trends continue we will definitely there will be definitely minimal cases or a data of minimal cases by February. These are the findings of the modeling study. अब ये चीज़ किसने पता लगाई है कि ये चीज़ पास आउट कर चुके हैं, मैक्सिमम केसेस पास आउट कर चुके हैं, पीक पास आउट कर चुके हैं और आने वाले टाइम में फैब तक जाते जाते हमारे पास में मिनिमल केसेस रहेंगे. ये स्टडी की है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एक कमीशन, जो उन्होंने कमीशन क्रिएट किया था, एक 7 मेंबर्स का एक्सपर्ट पैनल था जिन्होंने फ्यूचर स्टडीज़ ऑफ कोरोना के बारे में स्टडी करते हुए हमें इन सब चीज़ों के बारे में बताया है. ठीक है, सो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं 106 लाख सिम्टोमेटिक इन्फेक्शंस हैं बाय द अर्ली नेक्स्ट ईयर एंड विथ लेस देन 50,000 एक्टिव केसेस फ्रॉम दिसंबर. देयर वर ओवर 75 लाख कन्फर्म्ड केसेज एज ऑन संडे. संडे की अगर बात की जाए तो 75 लाख कन्फर्म्ड केसेज थे और एक्टिव इन्फेक्शन थे 7,74,000. सो अल्टीमेटली वी कैन से दैट कंटिन्यूसली केसेज आर गोइंग अप एंड इफ देर विल बी नो स्पाइक्स इन बिटवीन द फेस्टिवल्स और देर विल नो ट्रिगर्स इन बिटवीन द फेस्टिवल देन डेफिनेटली वी विल गो थ्रू द मिनिमल केसेज बाय फेब्रुअरी. सो वी नीड टू बी अवेयर अबाउट फेस्टिवल्स, वी नीड टू बी अवेयर एट द टाइम ऑफ फेस्टिवल्स एंड अवॉइडिंग द गैदर. It should be mandatory for us. Okay. The next news is based on GST cess. It will stay, said finance panel chief. It will continue till states dues are paid. Dues pay कर दिए गए हैं. फिर भी states के ऊपर जो है continue GST panel लगेगा, GST cess लगेगा basically. The levy or cess of compensation on goods and services GST. मे हैव बीन एक्सटेंडेड फॉर क्वाइट, उसे कुछ सालों के लिए एक्सटेंड किया जाएगा, परहैप्स टिल एज लेट एज 2025 or 2026 तक इसे एक्सटेंड किया जा सकता है. क्यों? GST ड्यूज को पे करने के लिए, टू पे ऑफ द स्टेट्स GST ड्यूज, स्टेट्स के जो GST ड्यूज हैं उन्हें पे करने के लिए इट विल टेक सम टाइम. चेयरपर्सन ऑफ द 15th फिनेंस कमीशन NK सिंह सेड. अब ये स्टेटमेंट किसने दिया है GST ड्यूज से रिलेटेड? ये दिया है फिनेंस कमीशन के 15th फिनेंस कमीशन के जो चेयरपर्सन है, या हम कह सकते हैं फिनेंस कमीशन के 15th चेयरपर्सन जो है NK सिंह जी, उन्होंने दिया है. अब उनके अकॉर्डिंग ऑन द इम्पॉर्टेंट इशू ऑफ GST कंपनसेशन द लास्ट वर्ड हैज़ नॉट बीन सेड. बोथ द स्टेट्स एंड द सेंटर आर रिकैलिब्रेटिंग द काउंटर्स ऑफ अ कंसेंशस विद इन द GST काउंसिल. नाउ द सेस शॉर्टफॉल्स कैनॉट बी मेट फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, सो इट हैज़ टू बी रेज्ड थ्रू सम बोटोइंग बोरोइंग अरेंजमेंट लाइक द प्रेजेंट वन. ओके, सो बोरो का जो अरेंजमेंट चल रहा है, बोरोइंग सिस्टम जो चल रहा है अभी GST कंपनसेशन को फुलफिल करने के लिए, GST फंड जनरेट करने के लिए, तो उसके लिए GST सेस जो है अभी एज ऑफ नाउ इट विल बी कंटिन्यूड, इट इज सेट बाय द फिनेंस पैनल चीफ. ओके, सो समवेयर इट इज रिक्वायर्ड एट दिस टाइम. टू मच वॉज बींग मेड ऑफ हु शुड स्टार्ट और बोरो to meet the shortfalls. Mr. Singh suggested that stressing that the investing community looks for the at the center and the states combined debt, not their disaggregated debt levels.
ओके. द नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन एन इनकम्प्लीट सॉल्यूशन. द सेंटर मस्ट अश्योर स्टेट्स ऑन द टाइमलाइन फॉर पेमेंट ऑफ द जीएसटी कंपनसेशन ड्यू. जीएसटी कंपनसेशन ड्यू के लिए जो है सेंटर को स्टेट्स के लिए एक टाइमलाइन इशू कर देनी चाहिए उसके पेमेंट के लिए. एक इनकम्प्लीट सॉल्यूशन के बारे में यहाँ डिस्कस किया गया है, इसे एक इनकम्प्लीट सॉल्यूशन बताया है जीएसटी कंपनसेशन को. द लास्ट वीक विटनेस्ड सम फॉरवर्ड एल्बर्ट इनएक्सप्लिकेबली डिलेड ओके movement towards breaking the deadlock between the center and states on bridging this year's shortfall. This year's जो GST cess के cess collection के अंदर जो हमें shortfall देखने को मिला है, जिसे कि compensation देखने को मिला है, compense states for adopting the GST now following a lack of consensus, जिससे कि consensus बहुत नीचे जाकर गिर चुके हैं. और third meeting जो हुई GST council के, उसके मुताबिक बहुत ज़्यादा downfall हो चुका है GST department. So उन्हें cess collection के लिए ultimate कोई ना कोई स्टेप उठाने की ज़रूरत है. सेंटर्स को ये बताने की ज़रूरत है, सेंटर लेवल पे जो है इस तरह के स्टेप्स उठाने की ज़रूरत है, जो स्टेट्स को ये इन्फॉर्म करें कि जीएसटी सेस इज़ दैट मच इम्पॉर्टेंट जितना कि हमें इकोनॉमिक को बूस्टअप करना इम्पॉर्टेंट है. ओके. द सेंटर हैड आर्ग्यूड दैट जस्ट 1.1 लाख करोड़ ऑफ द एस्टिमेट 2.35 लाख. एस्टिमेट कितना था? 2.35 लाख करोड़ शॉर्टफॉल इन जीएसटी सेस. जीएसटी सेस इनफ्लो के अंदर जो एस्टिमेट लगाया गया था 2.35 लाख करोड़ था, लेकिन जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन के चलते उसके ड्यू होने के कारण, ड्यू टू जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन इट हैज़ गोन थ्रू दी 1.1 लाख करोड़ ओनली. ओके. सो कोविड 19 के चलते ये सारी चीज़ें जो है जीएसटी, देखिए बेसिकली जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन के कारण भी सेस ड्यू चल रहा है, उसके बाद में कोविड 19 का आ जाना, तो कहीं ना कहीं सेस कलेक्शन बहुत लोअर लेवल पे जा चुका है. और गवर्नमेंट, आपको पता है गवर्नमेंट का सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता है सेस कलेक्शन से. जितने ज़्यादा टैक्सेस कलेक्ट किए जाएंगे इस गवर्नमेंट द्वारा, उतना ज़्यादा उनको प्रॉफिट जनरेट होगा उनका, या उनका रेवेन्यू जनरेट होगा. तो वेंसडे की अगर बात की जाए तो 21 स्टेट्स हैड एग्रीड टू द सेंटर्स फर्स्ट ऑप्शन. सेंटर के फर्स्ट ऑप्शन पर एग्री कर चुके हैं कौन? सारे स्टेट्स, 21 स्टेट्स, एंड वर परमिटेड टू रेज अबाउट 79,000 करोड़ रुपीज, 0.5% ऑफ देयर ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट. मतलब ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है बेसिकली उसका 0.5%, मतलब 79,000 करोड़ ऑलरेडी परमिट करने के लिए रेज कर किया जा चुका है. एज एडिशनल बोरोइंग लिंक्ड टू देयर एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑप्शन. नाउ ऑन थर्सडे हाउएवर द सेंटर चेंज ट्रैक एंड सेड इट नाउ वॉज नाउ विलिंग टू बोरो 1.1 लाख करोड़ एंड लैंडेड ऑन वर्ड्स. सो कॉलिंग दिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिवली easier measure to ensure states do not end up borrowing at different interest rates. The ministry asserted this would neither increase the fiscal deficit nor the general government debt. Okay, so it is all about it. Now they have to go through the incomplete solution. They have to complete the solution by going through the cess collection procedure. States and economists have welcomed this change of heart, and definitely, especially as it helps bring in much needed cash for states to fight the pandemic. पैंडेमिक की जो कंडीशन है उसको देखते हुए पैंडेमिक से फाइट करने के लिए स्टेट्स के लिए एक सबसे अच्छा ऑप्शन है सेस कलेक्शन. और सेस कलेक्शन के लिए अल्टीमेटली दे एक्सेप्टेड व्हाट द स्टेट्स एंड इकोनॉमिस्ट हैव एक्सेप्टेड व्हाट द सेंटर सेड. ओके. सो अल्टीमेटली इट इज़ ऑल अबाउट द जीएसटी कंपनसेशन, जीएसटी सेस इंक्लूडेशन, एंड इट इज़ ऑल अबाउट इट. नाउ इफ़ यू हैव एनी डाउट, इफ़ यू हैव एनी इशू, देन लेट इट नो मी. बेसिकली just put up your query in comment section and definitely you can ask me. I will definitely answer your answer. Okay, question basically. Now the next one is no great escape. The next news is based on no greater escape. India's low global rank is in tackling nutritional deficit calls for a revamped PDS. What it is, इंडिया का जो ग्लोबल लेवल पर अगर बात करें तो बिल्कुल लो रैंकिंग है. किस मामले में? न्यूट्रिशनल डेफिसिट को टैकल करने में, मतलब न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो कमी आ रही है, जिस लेवल पे जो डेफिसिट हैंडल कर रही है हमारी कंट्री या हमारे कंट्री के लोग, उसे हैंडल करने में इंडिया काफ़ी लो लेवल पे है.
और इसके ग्लोबल रैंकिंग को लो लेवल पे हो जाने के कारण कहीं ना कहीं हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है अपनी पीडीएस सिस्टम को रिवैम्प करने के लिए. नाउ इंडियाज पुअर प्रोग्रेस ऑन प्रोडक्शन न्यूट्रिशनल इंडेक्सेस मस्ट डिस्पेल द हबरिस सराउंडिंग स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर ईयर्स एंड टर्न नेशनल फोकस ऑन परसिस्टिंग हंगर वेस्टिंग एंड स्टंटिंग अमंग चिल्ड्रन. दिस ईयर्स ग्लोबल इंडेक्स ग्लोबल हंगर इंडेक्स दैट इज GHI प्लेसेस इंडिया इन द कंपनी ऑफ सूडान रैंक 94 अमंग 107 कंट्रीज. हम 107 कंट्रीज के अंदर 94th रैंक पर स्टैब्लिश होते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर विद दी अनआइडेंटिफाइंग असेसमेंट ऑफ दी नेशनल सिचुएशन एज सीरियस. द कंट्री स्कोर ऑफ 27.2% टू इन दी वर्स्ट अमंग ब्रिक्स नेशन. ब्रिक्स कंट्रीज जितने भी हैं उनके अंदर आप पहले पाकिस्तान लीजिए, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल जैसी कंट्रीज से भी इवन हम लोग बहुत डाउनवर्ड्स हैं और वर्स्ट लेवल पे हमारी कंडीशन है. कंट्री का स्कोर जो है वो 27.2% रहा है. सो इट इज़ अ वेरी डिसअपॉइंटिंग डेटा. द GHI इज़ डेवलप्ड अराउंड वेस्टिंग एंड स्टंटिंग अंडर फाइव द शेयर ऑफ द पॉपुलेशन विद सफिशियंट कैलोरिक इंटेक. कितनी कैलोरी इंटेक कर रहे हैं, कितनी चाइल्ड की मॉर्टेलिटी किस लेवल पर इम्प्रूव हो रही है, किस लेवल पर चिल्ड्रन न्यूट्रिशनल डेवलपमेंट हो रहा है, ये सारी चीज़ें जो है वो GHI कंडक्ट करता है. ओके अल्टीमेटली हमने इसे टॉप किया है, मतलब हमने वर्स्ट लेवल पे टॉप किया है, तो ये हमारे लिए एक चिंता का विषय है कि भारत को अपनी पीडीएस सिस्टम को सुधारने, उसके रिवैम्प करने, उसके अलावा और भी कई सारी योजनाओं पर कार्य करने और गरीबी को मिटाने पर गौर करना होगा, गरीबी को मिटाने पर ध्यान देना होगा. और वर्स्ट लेवल पे जो हमारी एक हमारी हम कह सकते हैं गरीबी पुअर्टी लेवल जो हमारा वर्स्ट लेवल पे जा चुका है, हमें उससे रिवैम्प करने की ज़रूरत है. ओके सो इट इज़ ऑल अबाउट इट. नो ग्रेटर एस्केप इज़ हेयर. और अब हम इस प्रॉब्लम से और ज़्यादा बच के नहीं निकल सकते बिकॉज अब तो डेटा भी यही कहने लगा है ना. अल्टीमेटली अकॉर्डिंग टू डेटा इवन वी आर ऑन वर्स्ट पोजिशन और वर्स्ट स्टेज ऑफ आवर कंट्री. ओके सो वी नीड टू वर्क ऑन इट. We need to work on our PDA system. We need to revamp our PDA system. Even we need to work on our food system, or I can say nutritional deficit system. Okay, so it is all about it, and we have to work for it. So we have to divide the nutritional data or nutritional aspect, or I can say the development aspect of nutritions in between rural and urban areas. Rural areas में और भी condition खराब है, जहाँ urban areas के अंदर भी condition खराब है, rural में उससे भी ज़्यादा बदतर कंडीशन में हमारे कंट्री के चिल्ड्रंस हैं, है ना. तो अल्टीमेटली इफ चिल्ड्रन आर इन दिस कंडीशन देन हाउ वी कैन प्रोग्रेस और हाउ वी कैन जस्ट इमेजिन आर कंट्री टू बी ऑन टॉप इन फ्यूचर अपकमिंग फ्यूचर. सो समवेयर वी नीड टू वर्क ऑन इट एंड वी नीड टू रिवैम्प आवर पीडीएस सिस्टम एज वेल एज वी नीड टू वर्क ऑन आर न्यूट्रिशनल और कैलोरिक डेटा सिस्टम और इट इज आवर कॉल हाउ वी विल हैंडल और टैकल द सिचुएशन. Okay, so it is all about it. The next article is based on the Hughes in the Green Tribunal's resilient journey. Over 10 years, the NGT has made a difference to environmental protection. Environmental protection mein NGT ne ek bahut bada hum keh sakte hain change dekhne ko nazar aaya hame. और अल्टीमेटली इट इज़ हेल्प्ड बाय अ न्यू ट्राइब ऑफ लीगल प्रैक्टिशनर. लीगल प्रैक्टिसेस के थ्रू जो जिस तरीके से एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की तरफ वर्क किया जा रहा है, ग्रीन ट्रिब्यूनल की तरफ वर्क किया जा रहा है, तो उसकी जर्नी को यहाँ पे बताया गया है, उसके पूरे डेटा को यहाँ पे बताया गया है. ठीक है, 10th एनिवर्सरी जो है NGT की, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की, यहाँ पे जो है मनाई गई है कल की डेट में, 18th की डेट में. एंड इट इज़ क्वाइट इनोवेटिव दैट NGT ने बहुत अच्छे लेवल पे वर्क किया है और NGT ने एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन पर बहुत टॉप क्लास वर्क किया है एंड इट क्रिएटेड अ ह्यूज डेटा ऑफ गुड गवर्नेंस और गुड लीगल प्रैक्टिसेस. ओके सो न्यू ट्राइब्स जो है उनके द्वारा हम कह सकते हैं
लीगल प्रैक्टिशनर्स द्वारा उनको हेल्प किया गया है, और अल्टीमेटली एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के अंदर एनजीटी ने एक बहुत अपना रिमार्केबल डिफरेंस शो किया है, ठीक है। सो इट इज़ ऑल अबाउट इट। ये जो पूरा डेटा, ये जो पूरा आर्टिकल है, ये कॉम्प्लेक्सिटीज़ को यहाँ पे डिस्कस करेगा, उसके अलावा अलग अलग जो स्टेजेस इवोल्यूशन के हैं उसे डिस्कस करेगा, और जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है एनजीटी का अब तक का उसे डिस्कस करेगा, एज वेल एज अ चेंज इन एटीट्यूड इज ऑल्सो बीइंग डिस्कस्ड हियर। ओके, सो यू नीड टू गो फॉर इट। दिस आर्टिकल को अगर आप पढ़ेंगे तो यू विल गेट एवरीथिंग अबाउट एनजीटी एज वेल एज द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। ओके, एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन जो कि आज की हमारी इस सोसाइटी की, आज के हमारे टाइम की सबसे बड़ी नीड है। ओके, सो इट इज़ ऑल फॉर दिस। द नेक्स्ट वन इज़ द राजभवन्स न्यू रोल। राजभवन के न्यू रोल को डिस्कस किया गया है, टेकिंग सेंटर स्टेज द पॉलिटिकल डिज़ाइन बिहाइंड इंक्रीजिंग या गवर्नमेंट सॉरी gubernatorial overreach is simple to crowd in on certain state government. So what it is basically governor के role, उनकी overreach को और उनके उनके बढ़ते हुए जो हम कह सकते हैं overreach जो है वो कहीं ना कहीं simple कर रहा है एक political design को, and certain state governments जो है उनको भी, उनके design of work को भी, उनके work style को, crowd को और भी simple बनाने में help कर रहा है। So governor के role, उसके उसके बारे में जो चीज़ें हैं अभी रिसेंटली जो ट्विस्ट हमें महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल और अदर कंट्रीज़ में जो देखे, अदर स्टेट्स में या अदर एरियाज़ में इंडिया के जो हमें रिलेटेड इश्यूज देखे गए हैं उन सबको डिस्कस करते हुए यहाँ पे राजभवन के नए रोल को डिज़ाइन करके बताया गया है, ठीक है। तो रिसेंट जो महाराष्ट्र के अंदर जो लेटर है, आपको पता होगा रिसेंटली जो लेटर है जगदीप धनकर जो कि ऑनरेबल जगदीप धनकर जो कि कोलकाता राजभवन के हैं, उन्होंने रिसेंटली एक डिस्टिंक्शन मार्क किया है और इससे रिलेटेड इशू को डिस्कस किया है। मुंबई राजभवन डिसाइडेड लास्ट वीक टू क्रॉस ऑल लिमिट्स ऑफ गवर्नेटोरियल प्रॉपर्टीज़, मतलब गवर्नर से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ की ऑल लिमिट्स को क्रॉस करके, और लास्ट वीक जो है डिस्कशन उनकी लिमिट्स पर बेसिस पर किए गए हैं। तो अल्टीमेटली गवर्नर, उसके रोल, उसकी इम्पोर्टेंस, उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं जो इफ़ेक्ट कर रही है आज के टाइम में, और आज की डेट में क्यों गवर्नर के रोल को इम्पोर्टेंस दी जा रही है, उसका क्या रोल है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। तो एक नए पॉलिटिकल डिज़ाइन को वेलकम करने का टाइम आ गया है, नया पॉलिटिकल डिज़ाइन डेवलप हो रहा है, और डेफिनेटली वी शुड वर्क ऑन इट सो दैट वी कैन क्रिएट अ गुड governance system. Okay, and it will take a center stage, so ultimately it will be definitely a good step of government, so that we can say that this type of stage or this type of government will make the overreach of this in a simple manner. Okay, so it is all about it. Reflecting and arrogance is also discussed here. New law is also discussed here. And Article 167 को यहाँ पर discuss किया गया है constitution के, और भी other articles और important datas को यहाँ discuss किया गया है जो कि हम differently separate video के अंदर study करेंगे. Okay, so it is all about it. So हमने जितने भी important articles थे उनको in short discuss किया है सारे articles को आज, क्योंकि थोड़ा सा late हो गया मुझे analysis डालने में, so आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दिस, बिकॉज आज मेरा कोई पर्सनल इशू था, आई मीन एग्जामिनेशन वगैरह का इशू, सो आई वॉज बिजी देयर। एंड अगर इसके अलावा और कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कोई डेटा है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है जो आप मुझसे पुटअप करना चाहते हैं, यू कैन गो थ्रू द कमेंट सेक्शन एंड डेफिनेटली राइट इट देयर, आई विल आंसर यू। ओके, यू विल डेफिनेटली गेट योर आंसर। इससे रिलेटेड कोई भी ऐसा आर्टिकल आज का रह गया है या हमने जो डिस्कस किए हैं उसके अंदर भी कोई ऐसा आर्टिकल है जो आपको लगता है कि नहीं मैम हमें इलैबोरेटेड वे में इसे डिस्कस करने की ज़रूरत है, तो हम बिल्कुल करेंगे, आप मुझे कमेंट सेक्शन बताइए, हम उसे अलग से लेकर के डिफरेंट वे में उसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको चीज़ समझ में आई है। आप मुझे कमेंट सेक्शन बताएंगे कि व्हाट इज़ एनजीटी एंड व्हाट इज़ द रोल ऑफ एनजीटी एंड व्हेन इट वाज फॉर्म्ड। ओके, वी विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट सेशन। बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।